सीन कुछ ऐसे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद, अगेन वी आर गोइंग टू हैदराबाद। तो लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो मैंने आप लोगों को दिखाया था बॉलीवुड मॉल, रूफ टॉप, ये सब कुछ दिखाया था। और आज मैं आपको दिखाऊंगा हैदराबाद के स्ट्रीट्स वगैरह दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। और ये जो ट्रिप है ये हमारी सिर्फ 4 डेज़ की होने वाली है, ये 4 डेज़ की ट्रिप होंगी, ट्रिप है एक, और बस छोटी सी ट्रिप है, आगे और प्लान बनाएंगे बड़ी बड़ी ट्रिप्स के। तो जो कार हमने बुक कराई थी वो आ गई और अभी नीचे उतरते हैं। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, कार आ चुकी है हमारी, तो लेट्स गो। हम लोग निकल चुके हैं हैदराबाद के लिए। I'm in the island on a Wednesday, laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. अभी हम लोग हाईवे पे पहुंच गए, M9 मोटरवे। हमारे राइट साइड तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट्स चल रहा है और बहुत ही ज्यादा फ्लैट्स हैं यहाँ पर। और लेफ्ट साइड पर हमारे फार्म्स हैं, बहुत सारे फार्म्स हैं यहाँ पर, ये। और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फार्म्स हैं ये। हमारे लेफ्ट साइड पे जियो शिनवाई रेस्टोरेंट है और बहुत सारे शोरूम्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और हमारे लेफ्ट साइड पे खान साहब रेस्टोरेंट आ गया है और यहाँ पर हम कभी गए नहीं हैं, यहाँ की जो डिशेस वगैरह हैं वो हमने कभी ट्राई नहीं करी। तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे, कभी प्लान बनाएंगे इधर का भी। असल में जो ना ये मोटरवे पे शिनवारी नाम के तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन जो ओरिजिनल शिनवारी है ना वो आ गए। और ये कबाब चीज़ आ गया, हवेली रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये हवेली रेस्टोरेंट। और ये मेट्रो रेस्टोरेंट है, ये भी मोटरवे पर आता है। और यहाँ पर ये फोर लैंड का शोरूम, होंडा सिविक बोल रहा हूँ, सिर्फ होंडा का शोरूम, टोयोटा का शोरूम। और ये हम सबका फेवरेट शाइन शिनवारी, वाओ। और ये बहुत सारे वुड्स वर्किंग एरिया है, ये वुड्स का, यहाँ पर सारे वुड्स वर्क होता है। और अगर हम लेफ्ट साइड पे आगे एक रोड आ रहा है एक, अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हम कोयटा और गवादा जा सकते हैं। और ये रही सब्ज़ी मंडी, ये है सब्ज़ी मंडी। और ये जो फ्लैट्स है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि हट है, ये इनकी रूफ ऐसी बनाई है इन लोगों ने। और यही है वो ब्रिज जिसके ऊपर चढ़ के हम कोयटा और गवादा जा सकते हैं, इस ब्रिज पे जाकर। और आगे एक और ब्रिज है, नहीं ये वही वाला ब्रिज है कोयटा और गवादा जाते वक्त का, यहाँ से जाते हैं कोयटा और गवादा। और ये है सज्जाद रेस्टोरेंट, ये भी हाईवे पर आता है। हाईवे पे जो ना जब से ये रेनोवेट हुआ है ना पूरा हाईवे M9 मोटरवे, तो इधर बहुत सारे ब्रिज आ गए, बहुत सारे ब्रिजेस हैं। और ये सामने कराची का टूल गेट आ गया, टूल प्लाजा कराची का है, अभी हैदराबाद का नहीं है, हैदराबाद का भी आगे आएगा। और इधर जितनी भी बसेस होती हैं ये यहाँ पर इनकी चेकिंग करी जाती है, पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पर। और ये भी एक रेस्टोरेंट ही था पीछे, हाईवे में बहुत सारे रेस्टोरेंट आते हैं। और ये है वादी हुसैन कब्रिस्तान था ये, और ये हैदराबाद यहाँ से 123 किलोमीटर्स हैं।
तो अभी टाइम लगने वाला है हैदराबाद जाने में। और बहरिया टाउन, और ये बहरिया टाउन का ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बहरिया टाउन, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है। और ये बहरिया टाउन की बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, आई लव बहरिया टाउन। और जो ये बहरिया टाउन का रोड जाता है, मतलब हाईवे यही है, लेकिन इनका जो एरिया जितना बड़ा इनका है, इनका मेन रोड, उधर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइट्स लगाई हैं, और रात को ये इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना। ये इसकी बात कर रहा था मैं, इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स है। एक दिन मैं रात को भी गया था तो मैंने देखी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइट्स है। और इसका गेट, जो मेरा सबसे फेवरेट गेट, जहाँ जहाँ भी मैं घूमा हुआ हूँ उसमें से सबसे फेवरेट गेट यही है मेरा, वो बहरिया टाउन का गेट। और ये रहा बहरिया टाउन का फाउंटेन, और देखें इतनी दूर तक है बहरिया टाउन। और ये एक प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट है कायत सिटी। और ये है मेरे शाम के स्नैक्स, I mean, शाम तो नहीं हो रही, अभी हो रहा है 4:42 हो रहा है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और हमारे सामने DHA आ चुका है, DHA के खूबसूरत रोड, DHA सिटी। DHA में ARY लगूना भी बन रहा है, ये मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है वो, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और DHA का भी गेट अभी आने वाला है। और सामने वही ब्यूटीफुल व्यू, माउंटेन्स। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू, हमारे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक हर जगह माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, बैक पे तो नहीं है लेकिन फ्रंट लेफ्ट राइट हर जगह माउंटेन्स है। और ये वही ब्यूटीफुल व्यू जो मैंने आपको लास्ट टाइम जब हैदराबाद जा रहे थे जब बोला था कि ये ब्यूटीफुल व्यू। और आगे आने वाला है DHA का गेट, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये रहा सामने DHA का गेट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ब्यूटीफुल है बहुत ही ज़्यादा। और अभी थाना बुला खां आ चुका है, मतलब थाना बुला खां जब आ जाए तो समझ जाना चाहिए हमें कि हम हैदराबाद के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। और थाना बुला आ चुका है, थाना बुला खां आ चुका है। थाना बुला खां से हमें ये पता चल जाता है कि अभी 10 मिनट्स की ड्राइव पे गेट आने वाला है हैदराबाद का। और ये गेट आ चुका है हैदराबाद का टोल प्लाज़ा, टोल गेट। और जो हमने बुक कराई थी कार उसके अंदर एमटेक भी लगा हुआ था, तो इसलिए हम एमटेक वाली लेन से गए। एमटेक लगाना भी बहुत इजी है, ये टोल गेट से थोड़ा सा पीछे एक स्टेशन टाइप का बना हुआ है जिधर से आप वो एमटेक बनवा सकते हैं, और उसके अंदर आप अपने पैसे जमा कराएं और फिर इस लाइन से निकले, और ये आपके डायरेक्ट खुद ही रिचार्ज कर लेंगे 270 रुपीज़, जो टोल गेट है, मतलब टोल के। और हमारे लेफ्ट साइड पे क्रिकेट हो रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है आई थिंक। और ये जो टर्न है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कर्व है, और हम लोग राइट साइड की तरफ गिर रहे होते हैं, और टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। हो सके नॉर्मल मैच वनडे खेल रहे हो या फिर ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंडली खेल रहे हो। और एक और ब्यूटीफुल व्यू, और
और होंडा का शोरूम एक और दफ़ा हैदराबाद में भी होंडा का शोरूम है, और ये फो का शोरूम, और ये है राजपुताना हॉस्पिटल हैदराबाद। और हमारे लेफ्ट साइड पे एक मज़ार टाइप का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब इसके ऊपर वो सन की ब्राइटनेस पड़ती है इसके ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, उसका वाइट कलर है। और यहाँ पर फ्लावर पॉट्स वगैरह मिल रहे हैं, फ्लावर्स भी मिलते हैं यहाँ पर। गाइस हम लोग हैदराबाद पहुँच चुके हैं, आज के ब्लॉग का एंड करता हूँ। हे गाइस आई होप यू वॉच आवर ब्लॉग, कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।